क्या आपको बैटरी चार्जिंग के लेके बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, या फिर आप चार्ज करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली चार्ज होता है? दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको एक सलूशन बताऊंगा। उस एक ट्रिक की मदद से आप अपना फ़ोन को कम समय में ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 10 से 12 मिनट के अंदर ही आपका फुल चार्ज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही तरीका है। वो मैं आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सेटिंग जो है मोबाइल में मौजूद होता है, लेकिन हमको पता नहीं होता कि उस ट्रिक को हम फॉलो कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और नीचे आपको यूट्यूब पर जाना है और मेरे जो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करना है कि आपको इससे पहले कौन सा तरीका अच्छा था जो चार्जिंग के ऊपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा सेटिंग पे, ठीक है। अपना मोबाइल का जो भी सेटिंग है उसमें ही वो सेटिंग है, तो आपको उस सेटिंग को जाना होगा। और दोस्तों ये इस ट्रिक को ध्यान से देखना होगा आपको। इधर देखिए दोस्तों, हर एक मोबाइल में अलग अलग सेटिंग रहता है, ठीक है। मैं बताऊंगा हर मॉडल में कौन सा कहां पर रहता है। मेरा ये वीवो का मॉडल है, तो मेरे मोर सेटिंग पे जाने के बाद मेरे को एक ऑप्शन मिल जाता है, डेवलपर ऑप्शन, ये देख सकते हैं। अगर आपका माइक्रोमैक्स है, आईफोन कोई भी हो, मतलब आपका क्या बोलते हैं, नोकिया का हो, आपका सैमसंग का हो, आपका वीवो का हो, रियलमी का हो, रेडमी का हो, कोई सा भी हो, हर मोबाइल में एक डेवलपर ऑप्शन रहता है। लेकिन डेवलपर ऑप्शन आपको शो नहीं होगा, ये मैंने ऑलरेडी ऑन कर चुका हूँ। तो इसके लिए शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी मोबाइल पे कहाँ पे भी अबाउट फ़ोन का ऑप्शन होगा, देखिए अबाउट फ़ोन, आपको इधर क्लिक करना होगा। अबाउट फ़ोन पे जाने के बाद आप नीचे आ सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर वर्जन, बिल्ड नंबर, सॉफ्टवेयर वर्जन, ऐसा कुछ होगा जो आपको इधर दिखाई दे। मैं आपको मार्क कर देता हूँ ये वाला। तो इसके अंदर आपको 7 टाइम क्लिक करना है। अगर आपके यहाँ डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो आपको ऐसे क्लिक करना है, देखिए, नो नीड यू आर ऑलरेडी इन डेवलपर मोड, यानी कि मैं अब ऑलरेडी डेवलपर मोड ऑन कर चुका हूँ, तो इसके लिए मेरा ऑन हो चुका है। तो अगर आपका नहीं है तो आप इसे 7 टाइम टच कीजिए, उसके बाद बैक आ जाइए, या फिर उसके नीचे देखिए, देखिए डेवलपर ऑप्शन आ चुका है मेरा। इधर क्लिक करने के बाद ऊपर में जो सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन का जो राइट साइड में ऑफ हुआ होगा, आप सबसे पहले इसे ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद दोस्तों उस सेटिंग को आपको सर्च करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही अच्छा सेटिंग है दोस्तों, मैंने खुद ट्राई किया हूँ। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, सेलेक्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जब चार्जिंग पे लगाते हो उसी का ही प्रॉब्लम है, तो सेलेक्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, चार्जिंग, एमटीवी जो कि मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि पीटीपी पिक्चर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके बाद आरएनडीआईएस, यूएसबी जो एथरनेट होता है, उसके बाद ऑडियो सोर्स और मिडी। दोस्तों इनमें से आपको कौन सा, मतलब जो कि चार्जिंग पे हेल्प करेगा, सबसे पहला जो नंबर पे चार्जिंग पे, क्योंकि हम जब भी यूएसबी लगाते हैं तो उसमें ये बोल रहा है कि हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर पिक्चर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, ऐसा ऑडियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो हमको चार्जिंग के ऊपर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद आपको जस्ट बैक आ जाना है दोस्तों। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद और एक सेटिंग करना है, आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग पे, या फिर आप अपने ऊपर में जो नोटिफिकेशन बार होता है, या फिर नीचे में, मेरा नीचे है। उसके बाद आपके मोबाइल पर फ्लाइट मोड तो होगा ही, आप क्या कीजिए, अपना जो फ्लाइट मोड है उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मोबाइल को ऐसा साइलेंट कीजिए। करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक चार्ज करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका मोबाइल कितना अच्छा चलेगा। मोबाइल आपका बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका बैटरी ही ख़राब है तो ये काम नहीं करेगा ट्रिक। अगर आप बैटरी आपका सही से है, सही काम कर रहा है, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा। अगर थोड़ा सा नॉलेज मिला तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसा वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू।